अरे भजले मोहन माधा ना गोपाल भजले मोहन माधा ना गोपाल अरे पतो नाए नर जाते हा कोरी अरे भजले मोहन माधा ना गोपाल बाबरे मोहन मादा ना गोपाल अरे पतो नाए नर जाते हा कोरी अरे जे तो प्यारे चले ते घोड़े जाए जे तो प्यारे चले ते घोड़े जाए अरे बाबूला जैसे करे अरे जोरे मेले के भरत थोड़ी सी अरे धोरे हारी मेरी सुरजन हारे बनवारी के पाल जो है हारी की जय। हमारे मामा भांजू केशव भंडार और जो हमारी रिकॉर्डिंग करा रहे हैं गोपाल जी और ये प्रोग्राम रहेगा आज को मंजूर रानी को बनुवास। सितारो एक समय राजा दशरथ के नौबत नगारे ढूंढे एक समय राजा दशरथ के पुत्र सोगभ मन में एक समय राजा रामचंद्र धनुष तोड़ ठाड़े भए एक समय रामनु बासुकियो बन में और एक समय रावण ने दसो दिशा जीत लई और एक समय दसो सिर कटे परे रन में एक समय महाभारत में दुर्योधन चुनौती दे रहे हो के सुई की नोक की भर बन दूंगा ना और एक समय रणे छोड़ के छिपे गयो जल में एक समय अर्जुन ने महाभारत को जीत लो एक समय भीलन लूट लो बन में अरे इंद्र महाबरे काय पे गुमान करे सूरज को तेज तीन पोत बदल जात देन में गुरु बिन मिले न ज्ञान भाग बिन मिले न सर्जन और तप बिन मिले न राज बाह बिन लवेन दो मत करियो गर्भ गुमान और जादे ही पे दूब जमेगी एक दिन खेती करे कैसा राजा प्रथम थे जो नरवर के बामनगढ़ को राज था एक उसे एक महल में बाला और वृद्ध अवस्था वही रूपगी पर काऊ रानी के भयो नाओ लाला संतान लाई हरी ना एक दिन की बात पेच धरो मंडील सफेद लो ले लो घोड़ा धरो जड़ाऊ जीन हाथ कंचन को कोड़ा नरवर को सरदार और धोतारे की होने में राजा प्रथम खेल न चलो सका आगे कूदो टार बढ़ाई और एक भंगे ने जाए झारत पाई तीन पोत दे थूक पाए ते धूर उड़ाई समन को जोरी न डीट औदो छोरा धार के प्रथम राजा ते फेर के ठाड़ी पीठे और हरी सिंह राजा प्रथम ने ओना टोना देखो हाँ क्या देखो भैया सवेरे सवेरे की बात ही चुक राजा हो हाँ कोई मामूली बात थोड़ो ही ना विचार करो जान ओना टोना करे शिकार खेल में मत जाओ लौटो नरवर को सरदार अरे घोड़ा भागो थान ते चपरासी बुलाए ले राजा ने चार प्रथम राजा ने कही आते भंगी पारी उजाओ और सवेरे बांध के लाओ राजा ने हुक्म दे हरी सिंह और क्या करो आज मेहनत धार करो मत सबते तंगी और मोई किली को काम करेंगे कहमा सबरे भांगी हाँ मोई किली को काम करेंगे मुआ का सबरे भांगी हाँ मोई किली को काम करेंगे मुआ का सबरे भांगी आहारी भगैया
लटको देके हारी प्रथम की सभा में आई हाँ जोर की ठाड़ी है गई राजा जी सरकार आदेश ऑर्डर करो राजा प्रथम ने दियो और तो तारेगी होने पे तूने क्या असर कियो मैं शिकार को जाय रो तेने ओना टोना छु परे हाँ बता अरे हरी सिंह भंगिर घबराई हाँ क्या कही अरे राजा हाँ जिये की माँ आमा अगर तुम वो जिये दान दे तो जिये की आमा पाऊं और राजा तुम्हें जा सगन को हाल बताओ कहो जा तुझे जी दान दिया हाँ क्या कहने लगी क्या कह रही अब राजा तुम पर जाके परवीन पर धो तारे की होन में नायन रवंशी के दर्शन लीना आज किस्मत लेकर आई मेरी खोटी ओ निर्वंशी चारों मुख देखो संजा तलक मिलेगी ना रोटी प्रथमन की अच्छा ये बात है हाँ। चार चपरासी बुलाए राजा प्रथमन ने 5 किलो आटो और घी बूरो सब सामान दो हाँ, प्रथमन ने कही चारों चपरासी इनते जब भोजन बनाए खाए ले जब मोए आए के नहीं है बताइयो बताइयो इनकारी करियो जाके चपरासी प्रथम के गए पर असगुन बाने ना छोड़ तुई भट्टा पे चढ़ाई गई दार सुमिर करतार सांचकुन आचे और लठन मारे मेहमानी को भंगी आए गए 5 सब रोटी नो गई खाए गई घबराए पजरे को रिसके मारे खूने और पल्ला धारे की ठाड़ी है गई अबनाए मेरे चूने चपरासी इनते गई देख लो टूका मिलो तो ना मिले हो वसीब ना मिली जब तक घर वार हो रहा है वो हाँ जब 5 धींगर आए कहे जे नहीं मेहमानी को कांते लाई है जा हाँ जा सोदा कोन पे लाई हनुआ पे थी सो दे दे सोटा ए झुकाए नहीं दारी आग लग डाल दे हाँ चपरासी लौट आए दरबार और जाए कहीं प्रथम डा जाते भंगन सांची है सरकार तू को ना मिले हो महाराज बचे और न बचे राजा प्रथम ध्यान में हरि सिंह क्या कही भैया कि ये प्रजा है मेरे शहर की मेरे नगर की हाँ सब दुखी है और मगर मैं राजा हूँ जा भेते कोई कहना है सकत हुई ना जस राज ये प्रजा दुखारी और सो नृप अवसर नरकाधि अधिकारी जी जन्म तो बिगड़ी वो बिल्कुल जो हम संतान ही नहीं हाँ प्रजा राज पाटे का छाती पे ले जाऊंगो हाँ वे बात है विप्रम दान दे के बन को जाऊंगा क्या बात है विचार करके कचहरी बंद करी और क्या करे हो करी कचहरी बंद भूप महलन में आयो आमत देखो और पतिव्रता मंझा रानी ने पते अपने को पलिंग नलायो पति पलिका पले हो ब्रह्मा और मोर छरी को लेके बीजरा रानी पति की रही व्याप हला अपने पति के दुख दर्द की पीड़ा पूछने लगी वैसी हरि सिंह सिद्धांत की बात है हाँ क्या जो पतिव्रता हत्या सिद्धांत की औरत हाँ वो अपने पति का अपमान दुख संकट सपने में सहन नहीं करती राजा प्रथम रानी मंजा पूछवे अब मुखमली नजर दाई तन छाई रही है कंचन काया प्रीतम कैसे घूम लाई रही कंचन काया प्रीतम घूम लाई रही मेरे पिया मेरे पिया आपके होट रहे पपराई अजी हाँ क्या था सपंज रंजगम गाले मा क्या था सपंज रंजगम गाले मा देव बताए क्या था सपंज रंजगम गाले मता देव बता उदासी कैसे महाराज हाँ राजा ने क्या बताई हरि सिंह लावणी के माध्यम से हम करे सकल संकल्प राजय और धन को करे सकल संकल्प राजय और धन को देखे बेपन को दान जाऊं वो पन को मेरी नार मेरी नार सदा ब्याह कायम न
नहीं मुकाम जी हाँ बात हमारे मरने से मिट जाए जगत में नाम बात हमारे मरने से मिट जाए जगत में नाम जब राज पाटे का छाती पर धर के ले जाऊंगा हमारे मरवे के बाद में तो नाम और बिना पुत्र के नारी जीवन खार हमारो और बिना पुत्र के नार जगत इधारो संसार में कोई ना विधेयन बादर नारे फार और मोहो देखत दुख पारे रानी जा नंगर के नरो नारे अच्छा हाँ रानी ने क्या कही क्या कही रानी बोली मैं पतिव्रता हूँ नारे तुम्हारी और तुम आगे आगे चलो मैं चलू पिछाड़ी और महाराज कहाँ जा रहे हो तपस्या करवे वारे बाप पतिव्रता दे क्या कह क्या कही क्या कही अरे तपो करवे जाओगे अरे मैं गलगुदरी बना पाऊ रे अरे गलगुदरी बना पाऊ रे बना गलगुदरी बना पाऊ रे अरे गलगुदरी बना पाऊ रे पिया में गलगुदरी बना पाऊ रे अपने हाथ लगी हथेली रे प्यारे तरवन मेला गाऊ रे अरे तरवन मेला गाऊ रे प्यारे तरवन ते लगाऊ रे अरे तरवन ते लगाऊ हथेरी में तरवन ते लगाऊ रे अरे ऐसा नहा करोगे तू ना पे लंगोटी धोए दरियावन में लाऊ रे अरे दरिया बन में लाऊ लंगोटी धोए के दरिया बन में लाऊ रे अरे दरिया बन में लाऊ लंगोटी धोए के दरिया बन में लाऊ रे अरे तप करवे कुरे बैठोगे धुना प्यारे चारो तरफ लाऊ रे अरे चारो तरफ लगाऊ रे धुना चारो ही तरफ लगाऊ रे अरे चारो तरफ लगाऊ रे धुना प्यारे चारो ही तरफ लगाऊ रे तनो काम करूना है बरना बेटी वाह अजय पालकी लाऊ रे अरे अजय पालकी लाऊ धिया बाय अजय पालकी लाऊ रे अरे अजय पालकी लाऊ रे बेटी बाय अजय पालकी लाऊ रे अरे महाराज हाँ आपके साथ चलूंगी और क्या जो स्नान करोगे धुना पे लंगोटी धोए दरियावन में लाऊं तप करवे को बैठोगे धुना त्या चारों तरफ लगाऊं जो इतनो काम करूं तो बेटी वहां जाए पालकी ना आहा दोनों जोरे हाथ और जो जाओगे के लिए छोड़ के नरवर में करके मरूंगी अपने हाथ सीता जी ने कही जो तुलसीदास जी ने लिखा है कि जीव बिन देह हाँ शरीर में हाँ जब तक जीव है जब तक कछु चाहे कछु है और जीव बिन देह नदी बिन बारी और तैसे ही नाथ पुरुष बिन नार राजा प्रथम और अच्छा रानी मंझा ने ये संकल्प कर लिया हाँ ये बोलो करो ये तो क्या करवे हल्ला पर नरवर में हरी बड़े बड़े विद्वान पंडित ब्राह्मण लोग आए कि राजा रानी नरवर को त्याग करके कैसे बजाय रहे काश्मीर काशी पड़े खुरासान गुजरात श्यामोदर और व्याकरण जानते चारो वेदन की बात राजा प्रथम के पास में विद्वान पंडित आए महाराज आप नरवर को त्याग मत करो हाँ
राजा प्रथम ने कही कि मेरे मुख देखते ही जनता परेशान है, मैं निर्वंशी राजा हूँ। और इतनी बात सुनी प्रथम राजा की, पंडित नो ज्योतिष खोली अपनी, ले भाग्य ग्रंत मिला है, अक्षर बदले ले उमरी न पर राजा को रहे। समझ आ राजन। हाँ तुमने कबो यशमे दिया की कराइये। हाँ प्रथम ने की ना कर यज्ञ तो बहुत करिए। हाँ पर यशमेध यज्ञ यज्ञ ना करिए। ब्राह्मण कहवे लगी अगर आप यशमेधी पुत्र अष्ट यज्ञ कराओगे तो हमारी ज्योतिष बता रही है तुम्हें फल की प्राप्ति जरूर जरूर होगी। क्या बात है सुन के हरी सिंह क्या कही थे जाए। और इतनी सुन के ग्वादना सुनवे की बात नगारो दो यज्ञ पर यशमेधी को बजवाई नगारो दो यशमेधी को बजवाई नगारो दो यशमेधी को बजवाई। राजा बाम नगर को समझ रे पैसा की कोई कमी रे हाथे नहीं रे पैसा की कोई कमी हाथे नहीं रे धन की कोई कमी हाथे नहीं छो कौन बढ़ा दो ज्यादा बोले ले राम बनाई रे होनी है बे राम बनाई गो होनी है बे राम बनाई। और जे हो नहार नाय मिटे कर गए लाख लोग चतुराई कर गए लाख लोग चतुराई कर गए बुला का लोग चतुराई। अरे नाय घंटा यज्ञ को बाजो फिर थम भूप गयो घबरा। महात्मा तपेरो संती वन में धुआं आसमान मढ़राई बाबा ना यज्ञ में आयो ना यज्ञ सफल ना है रही ना। पंडित लोगों राजा प्रथम पूछी क्या बात है कैसे होपल सहरियों को मेरी यज्ञ कैसे ना सफल है। हाँ बता महाराज। बारह बारह कोस नरवर के चारों ओर राजन हाँ तलाशी करवाओ। और तुम्हारी यज्ञ में आए बगैर कोई साधु संत कोई भूखो प्यासो रहे तो ना। हाँ बताओ। वह राजा प्रथम के चपरासी गए। हाँ एक महात्मा तपेरो बेहड़ वन में। हाँ राजा प्रथम आए के बताई क्या तारी चढ़ारो महात्मा ना आयो। ब्राह्मण लोग पंडित विद्वान प्रथम हाँ, से कहने लगे क्या कहे तो महात्मा यज्ञ में लाओ और भोजन धुआई पे पहुंचाओ। सो कैसे नंगे पे हाँ और अपनी काउ रानी को ले जाए के और आचरगांठ जोड़ के महात्मा धूला पे बड़ी अरदास करोगे जब भोजन करेंगे। और का हरी सिंह क्या कही क्या बात है सुन के राजा प्रथम चले। एक उसे एक रानी राजा प्रथम के हाँ सोने जोरे आयो रे सुनते हो। हाँ राजा प्रथम ने कही हरी सिंह क्या कही भजन भाई मेरी यज्ञ है रही है। हाँ पुत्र अष्टि यज्ञ कराए रहा हूँ। हाँ एक महात्मा तपेरो है और का नंगे पैर सोने में ते भोजन लेके महात्मा के काज मेरे साथ कुंसी चल भी तैयार। सौ बुरो मोह करी गई। हाँ वाह लड़ो खराए काज हम पर्दन के रहने वाली। हाँ और महात्मा नंगे पाए हुआ झारखंड में डोले लहंगा फाट दिया हुआ ठेको भाई क्या बात भाई कर दे। हाँ के सोन नाही करी अरे भूप माते देगर आयो धन्य धन्य मंजा रानी फिर रानी के महल में आयो। बड़े आदर भाई सत्कार की और का बैठो महाराज। हाँ मंजा ने पूछी अब क्या बात है और का भाई पुत्र अष्टी यज्ञ करा रहे हो। आहा प्रथम ने कही रानी मेरी मत है रही है भंग अरे तपसी को भोजन लेके नंगे पैर जानो है पर सोन में ते कोई नारे जाते ना है मेरे संग सोन में ते को ना जा रही। बारे बार रानी मंझा क्या कही हरी सिंह क्या कही भी पतिव्रता को धर्म यही जो पति की आज्ञा सीसद है कुल की हीन कुकर्मेल कामेल हम खेचे और नरक पर जे पतिव्रतन के काम अरे जो पति की सेवा करे वह मिले अटल सुख दाम बिना भाग्य के काहू गंगा जी सो मेला ना मिले ना हर पहरी रहु दे ऐसी त्रिया जब मिले कोई काशी में कर बटो रानी मंजा क्या कहे मिले क्या कहे ऐ
रे और रानी के दल है रे गई है दाते अरे दाते रानी के दल है रे गई है दाते अरे दाते रानी के दल है रे गई है अरे चले बारना यार तापा सी अजमा में मोहिते जोरे लियो अरे गाथे आवा मोई ते जोर ले आचरा गाथे अरे गाथे वरना मोई ते जोर ले आचरा गा मोई ते जोर ले आचरा गा अरे महाराज हाँ मैं पतिव्रता हूँ चलो और का महात्मा के काज हरी सिंह क्या कही रहे पतिव्रता मंझा नंगे पैर और अपने पति के साथ में सोनु नाही कर दही हाँ। रानी मंजा मेरे पति को संसार में नाम चलेगा पुत्र यष्टि यज्ञ है रही है आज राजा प्रथम अपने पति के साथ नंगी पायन रानी और भोजन लेके जा रही है कैसे अरे राजा ने तैयार करी क्या करो ले लो जल को लोटा रानी ने ले लिए कंचना थारी रे रानी ने ले लिए सुवरण थारी रे रानी ने ले लिए सुवरण थारी आगे वो नरवर कोरे राजा है नाद आजो पति के जहाँ पे पिछारी नारे आजो पति के चले पिछारी नारे आजो पति के चले पिछारी अरे गोवा पति बिना तारे रानी पहुँच गई है बेहल बन बिहारी पहुँच गई है बेहल बन बीजा पहुँच गई है बेहल बन बीरे झारी माने प्रथम राजा रे देखो अपनी रे दोनों मुंडे गयो तारी रे बाबा अपनी मुंडे गयो तारी महात्मा अपनी मुंडे गयो तारी मटा ले लो है बाबा जी ने जाते हट जा तू आत्या चारी रे अरे हट जाया त्या चारी रे जाते हट जाया त्या चारी रे अरे हट जाया त्या चारी रे जाते हट जाया त्या चारी रे बाबा महात्मा के सुन के नार के दो दरगन जला जारी रे अरे दो दरगन जला जारी नार के दो दरगन जला जारी रे अरे दो दरगन जला जारी नार के दो दरगन जला जारी रे नार के दो दरगन जला जारी जग में महाप्रलय है जाएगी पति ते रह जाएंगे चारी रे अरे रह जाए प्राण पे चारी पति ते जो रह जाए प्राण पे चारी रे अरे रह जाए प्राण पे चारी पति ते रह जाए प्राण पे चारी रे मंजा बोली बाबा कैसी समझे मोई कैसा भोजन कर ले तब हारी हारी दुखी बाबा अरे दो ये हारी अरे बाबा जी की काफी काया पति विरतन में होती है माया अरे बेटी रुक जा महात्मा बोलो हाँ डटे अरे पीछे बेटी तेरे भोजन खाऊं अरे तरफ लाए ठाकुर ढिंग जाऊं वहां से फलो कछे तो होरते रहियो प्यारे बदन पे बैठन माटी कर सराय रहो जाए करू ठाकुर की झाती है हारी ए ढोरत रहियो प्यारे बदन पे न बैठे माखी जाए रो दर सराय को करूँ मैं श्री ठाकुर की जाए के झाती है हारी बाबा के प्राणायाम चढ़ाए खिंच गई श्वास मरियो बाबा जी है ठाकुर
गई सूक्ष्म जीव गयो महात्मा को। हाँ महात्मा ने जा गई, जा गई भैया। अरे भजनो करूंगे पनयाम खूनी मन जा रानी और प्रथम राजा मेरी घेर के छारे धूनी के कह राजा सुन ले ओ जाई थे आमनो भयो हारी। क्या गई भजन बाबा गयो प्राणायाम चढ़ाए ये तपस्या के बलते महात्मा हतक आए। ये प्राणायाम खेच जाते हैं, खींच गई श्वास मरो बाबा जी जीव गयो दर्शराय हरि की में आए विष्णु भगवान और का की नजर ही गई। हाँ। सिंहासन ते ठाकुर चाहो ओ बाबा जी आप तुम्हें को ले आयो ले आयो। महात्मा ने कही भजन करूं के बन जाऊं खूनी बन जा प्रथम मेरे घेरे के ठाड़े धूनी एक अर्ध सुन ले और जाई ते आमनुभव कछु फलो हमें प्रथम कार्य देव। विष्णु भगवान ने कागजाच मंगवाए, सवरी कागजाच पलटिए पर संतान नाय प्रथम के पाई राजा प्रथम पिछले जन्म को दोषी और संतान नाय के सौ सौ कोची। महात्मा विष्णु भगवान ने पूछी हाँ राजा प्रथम कौन सो दोष लगे हो। हाँ बता महाराज। जो सौ सौ को संतान नहीं और विष्णु भगवान ने बताई। क्या बताया राजा प्रथम शिकार खेले में गयो। हाँ। सौ हिरणिन के बीच में एक हिरण चर रहे हो जब राजा ने सरोदा पे धरियो तो सौ हिरणिन कही हमारे पति है मत मारा चौक हमारे सौ नको एक ही पति है और का हमने ते दो चार दस बीस कितनी मार ले। हाँ। परंतु राजा प्रथम ने हिरण का वध कर दिया। अच्छा तो वो सौ हिरणी और राजा प्रथम को श्राप दे दिया। हमारा पति मार दो हम सौ विधवा है गई हमारे संतान होगी सौ रानी बांध रहेंगी। तो हरि सिंह कानून है कानून ते ही तोड़ दे हुए। हाँ। के लठते ना कानून ते टूटे बाबा ने एक बात कही और लगो श्राप सौ रानी ने तो मंझा रानी चो बांध रही वो तो एक सही कमी आ रही है। हम विष्णु भगवान ने कही ठीक अगर महात्मा आप अपनी 111 वर्ष की भजन तपस्या मन जाके संकल्प करो तो हम एक अवतारी पैदा कर दे। हाँ। महात्मा ने 111 वर्ष की भजन तपस्या संकल्प करी मन जाके और क्या नारद जी भेजे विष्णु भगवान अलग ज्योत पे नारद आयो और चामर वो छिटे तीन एक नारद ले आयो। बाबा ते कह रहे श्यामल साय मारची बटा देखियो महात्मा चामर तुम धूना में ही जाएगो जाओ ले तो राम को नाम महात्मा चूला में आए और चीमटा दो भवन आए के चामर धूना में ही पायो। हरी सी क्या कही रे बिस्तर में ते चीर भारी महात्मा ने आहा और वो चामर हुआ चीर में बांध के मन जाए दे हो। हाँ। ले बेटी ले जा तेरे अवतारी पैदा होगा और का पर तेरे में बड़ो परेशान करे हूं। हाँ। क्रोध में आके जी महात्मा हतका है साधु संत क्रोध आ जा तो क्रोध के श्राप दे देते। हाँ। पर साधु संत जो अच्छे संत होते हैं उनको श्राप कवच बन जा तो कवच। हाँ। मन जाए क्या श्राप दे हो अरे बेटी में समझ आए रहो तो अरे बेसंगत अवतारी होएगो पर बेटा तेरो संती बन झाड़ी में होए अवतारी तो होगा। हाँ। पर संतीवन झारी में जन्म लेगा और का महात्मा श्राप दे दो। क्या कही और क्या भाई हरी सिंह क्या भाई महात्मा ने जो चामर दे पतिवृता रानी मंझा चामर को लेके अपने साथ और क्या भाई अरे आजो चामर लेके रानी रे गढ़नरबर मेरे आई नारे बुआ गढ़नरबर मेरे आई रे मंझा गढ़नरबर में आई अरे वाह चामर लेके सौ रे सौ दिन पैर डोल आई रे सौ सौ दिन पैर डोल आई वो सौ सौ दिन पैर डोल आई अरे वाह चामर खाए रे की कर दई है सौनु स्वाप मनाई रे कर दई है सौनु स्वाप मनाई कर दई है
सोल स्वा को मनाई कोई मतेली और यार चामर रहे सोते हमें जहरो खवाई बे लाई सोते हमें जहरो खवाई बे लाई सोते हमें जहरो खवाई बे लाई अरे आजो संताई के कारी लानी रे आधी नाती पे नहाई रे रानी आधी राती पे नहा पंजाब आधी राती पे नहाई अरे चामर ग्रहण करो रे रानी ने धोरे दैये चंद्र कलाए रे प्याय धोरे दैये चंद्र कलाए वो प्याय लाला हो नहारा पलवान गर्व में आयो आई गर्भ मेरे आए गए कुमारुआता गर्भ में वो आए गए कुमार यताई रानी अभी तो है ये कमहीना और गर्भ में आयो कुमार नगीना नाए मन में भे गरन रबर के बीच में ले जाए महीना है गए तुए बड़ी चतुर पर भी नहार कैसे मिट जाएगी जाए महीना है गे तीन अब रही राम के नाम समार के महीना चार पाँच गुना आज महीना है गे पाँच कानून रब है रानी है महीना है गे छे भैया माँ सभी तेरे साथ गरब हो जा गल है जयो हरी गर्भवती महिला ना हरी सिंह मन चलते है और का मिले वह सौ सोते न थे आई रे अरे सौ सोते न थे आई रे मिले वे वो सौ सोते न थे आई रे अरे सौ सोते न थे आई रे मिले वे वो सौ सोते न थे आई रे का सुरजा सुरजा वाणी है जो मन ढाके काका जाई रे अरे काकाऊ की जाई रे मन जाके काकाऊ की जाई रे अरे काकाऊ की जाई वो मन जाके काकाऊ की जाई रे मते मन जा रानी देखिए महल में पीड़ा दयो डरा भाई रे अरे पीड़ा दयो डरा भाई महल में वो पीड़ा दयो डर भाई रे अरे पीड़ा दयो डर भाई महल में वो पीड़ा दयो डर भाई रे गवे पछिया बंदा ठुमका खाए गई पूरा भाई रे अरे खाए गई पूरा भाई वो ठुमका खाए गई पूरा भाई रे अरे खाए गई पूरा भाई रे ठुमका वो खाए जाइए पूरा भाई रे रे अक्षरा उड़ियो मन जा रानी को जिन के पहियो गर बोला खाई रे अरे पर गयो गर बोला खाई कौ न के रे पर गयो गर बोला खाई रे अरे पर गयो गर बो खाई कौ न के पर गयो गर बोला खाई रे हो न और क्या किस्मत लेकर आएगी खोटी और जई के हाथ की दही मिलेंगी रोटी।